समाजवादी पार्टी से गठबंधन की चर्चाओं के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अचानक एक बड़ा फैसला किया है। पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र यानी आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जल्द ही पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव हिस्सा लेंगे। उस समय आगे की रणनीति तय की जाएगी। यही नहीं, पार्टी ने बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े आंदोलन का भी फैसला किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने आजमगढ़ संसदीय सीट पर अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि लालगंज सुरक्षित सीट से हेमराज पासवान को चुनाव लड़वाया था। सपा बीएसपी के गठबंधन के कारण हेमराज कोई करिश्मा नहीं कर पाए थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। पिछले दिनों सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन की चर्चा शुरू हुई तो माना जा रहा था कि 2022 का विधानसभा चुनाव चाचा भतीजे मिलकर लड़ेंगे। इसका दोनों दलों को फायदा होगा, लेकिन दोनों दलों के बीच सीटों की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं है। कारण कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, कम से कम वो यहाँ कोई सीट गठबंधन में नहीं देना चाहेगी, जैसा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। कांग्रेस सपा गठबंधन कर मैदान में उतरी थी, लेकिन सपा ने आजमगढ़ की सभी 10 सीटों को अपने पास रखा था। ऐसे हालात में प्रसपा नेताओं के चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा का क्या होगा? शायद यही वजह है कि पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। प्रदेश महासचिव और मंडल प्रभारी रामदर्शन यादव ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी आजमगढ़ के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रसपा के कार्यकर्ता हमारी पार्टी की पूंजी हैं। जिला अध्यक्ष राम प्यारे यादव ने कहा कि पार्टी के सभी फ्रंटलों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं अपने अपने क्षेत्रों में सम्मेलन की तैयारी में लगा दिया गया है। साथ ही वो कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाएं इसके सख्त निर्देश दिए हैं। 2022 में प्रसपा की सरकार बनाकर प्रदेश के विकास की चाबी को प्रसपा के हाथों में देने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव हिस्सा लेंगे। उनकी मौजूदगी में आगे की रणनीति तय की जाएगी। पार्टी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन शुरू करेगी।